हेलो बच्चों, मैं सुधा प्रसाद, आपकी हिंदी टीचर। आज आपको इन वीडियोस के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से आपकी पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है और आपके क्लासेस नहीं हो रहे हैं। आज हम लोग क्लास 3 के चैप्टर 1 नवज्योति जगाओ कविता पाठ करेंगे और उसका भावार्थ समझाने का प्रयास करेंगे। इसके कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने प्रातः काल के इस चित्र का वर्णन करते हुए हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि हे ईश्वर, हमें हमेशा सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और हमें ईश्वर से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, उनका आभार प्रकट करना चाहिए। तो आज आप इस दृश्य में देख रहे हैं, प्रातः काल का चित्रण है और दो बच्चे हाथ जोड़कर ईश्वर की ओर मुख करके उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो हम लोग आज इस कविता का पाठ करेंगे। सबसे पहले की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, दूर असत से करो मुझे सतपथ दिखलाओ, अंधकार हर जीवन में नवज्योति जगाओ। अर्थात हे ईश्वर, हमें असत से दूर करो। असत का मतलब होता है बुराई, झूठ, और मुझे सतपथ दिखलाओ। सतपथ का मतलब होता है सच्चाई का रास्ता। तो हे ईश्वर, मुझे बुराई से दूर ले जाकर सच्चाई के राह पर ले जाइए और सच्चाई का रास्ता दिखलाइए। अंधकार हर जीवन में नवज्योति जगाओ, अर्थात अंधकार दूर करके हमारे जीवन में नई ज्योति, नए प्रकाश जगाइए। यानी हमारे जीवन से अज्ञानता का अंधकार दूर करके ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का प्रकाश जगाइए, ताकि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। प्राप्त करूं अमरत्व मृत्यु का मुझे न भय हो। यानी अमरत्व का मतलब होता है जो कभी न मरे, न मरने की भावना। और मृत्यु का भय एक ऐसी चीज है जो हर जीव के अंदर होती है, और इस मृत्यु के भय से जीव सारे गलत कार्य करता है। तो इसलिए हे प्रभु, हमारे अंदर ये मृत्यु का भय ही ना रहे और हमें ऐसी भावना दीजिए कि हमारे अंदर अमरत्व की भावना आ जाए। और जिसके अंदर अमरत्व की भावना आ जाएगी और उसे मृत्यु का भय नहीं होगा, वह कभी किसी के भय से वशीभूत होकर कभी कोई गलत कार्य नहीं करेगा। तो इसलिए हमारे अंदर अमरत्व की भावना भर दें। उसके बाद दिव्य ज्योति से आलोकित पथ मंगलमय हो। यानी ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित हमारा जीवन, हमारे जीवन में ज्ञान की ज्योति के प्रकाश से जो रास्ता दिखाई दे वह मंगलमय हो। क्योंकि जिनके अंदर ज्ञान की ज्योति का प्रकाश होगा, वो हमेशा सही निर्णय लेंगे और कभी गलत राह पर नहीं भटकेंगे। दो विशाल अंतर ऊंचाई, यानी विशाल मतलब बहुत बड़ा, और अंतर का मतलब होता है हृदय। तो हमारा हृदय इतना विशाल हो, हमारे हृदय में इतनी विशालता दें, इतनी ऊंचाई दें जैसे कि गगन। गगन जिस प्रकार विशाल और ऊंचा होता है, उसी प्रकार हमारे हृदय को भी विशाल और ऊंचा बना दें, ताकि जिस प्रकार गगन के तले
सभी जीव जंतु रहते हैं। गगन अपने अंदर सबको समाहित कर लेता है। वह इतना विशाल है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखता, सबको समान रूप से अपनी छाया देता है। उसी प्रकार हमारा हृदय भी इतना विशाल और ऊंचा हो कि हम भी सबको अपने हृदय में स्थान दें और किसी के प्रति मन में कोई द्वेष, कोई भेदभाव ना हो। सागर का गांभीर्य धरा की शक्ति सहन की। सागर सी गंभीरता दे। गंभीरता का अर्थ है जिस प्रकार सागर के अंदर बहुत सा जल समाया होता है, परंतु सागर कभी अपने जल पर अहंकार नहीं करता और वह बहुत शिथिल और शांत बना रहता है। सागर जितना शांत होता है उसकी गहराई उतनी ही ज़्यादा होती है। तो सागर के समान हमारे अंदर भी गंभीरता दें, हमारे अंदर भी ज्ञान की ज्योति हो, ज्ञान का भंडार हो, परंतु अहंकार ना हो और हम भी सागर के समान शांत, सरल और गंभीर बने रहें। धरा की शक्ति जो सहन की है, उसी प्रकार हमें भी शक्ति दो कि हम भी धरा के समान गंभीर बने, सहनशील बने। धरा में बहुत शक्ति है, वह सभी को अपने ऊपर उठाए हुए है, सबका भार वहन कर रही है, सबके अत्याचार सहती है, परंतु फिर भी चुपचाप रहती है। उसी प्रकार हमें भी सहन शक्ति दीजिए कि हम भी दूसरों के अत्याचारों को सह सकें और गंभीरता से, चुपचाप, सरलता से अपने कार्यों को कर सकें। उसके बाद पर्वत की दृढ़ता। दृढ़ता का अर्थ होता है अटल। अटल मतलब जो हिले डुले नहीं, जो अपनी जगह पर दृढ़ रहे। तो पर्वत के समान हमें भी अटल शक्ति दीजिए ताकि हम अपने निर्णय पर अटल रहें, हम अपने निर्णय पर दृढ़ रहें और हमें कोई भी भटका न सके, अपने पथ से हमें विमुख ना कर सके। संजीवन स्पर्श अनिल का। संजीवन का मतलब होता है जीवनदायिनी, जो हमें जीवन प्रदान करती है, अर्थात वायु। वायु हमें जीवन प्रदान करती है। वायु के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वायु जीवनदायिनी होती है। उसी प्रकार हमें भी ऐसी शक्ति दीजिए कि हम वायु के समान जीवनदायिनी बने और दूसरों का सहारा बने, दूसरों के दुख को दूर कर सकें, उनके जीवन जीने का कारण बन सकें, तभी हम संजीवनी बन सकते हैं। शीतलता जल की। जिस प्रकार जल में शीतलता होती है, शीतलता का मतलब होता है ठंडापन, तो जिस प्रकार जल शीतल होती है, उसी प्रकार हमें भी शीतलता की भावना प्रदान करें। हमारे अंदर क्रोध और द्वेष की भावना ना हो, हम सरल और धीर बने रहें। तेजस्वी रूप अनल का। अनल का मतलब होता है आग। जिस प्रकार आग में तेजस्वीपन होता है, तेज होता है, चमक होती है, उसी प्रकार हमारे अंदर भी तेज का गुण दे ताकि हम इस दुनिया में अपने कर्मों से अनल के समान प्रकाशित रहें, हमारे मुख पर भी अनल के समान तेज हो। अतः इन गुणों से हमें भर दे हे प्रभु। हम इन उदाहरणों के द्वारा कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि प्रभु ने प्रकृति में जो चीज़ें वरदान के रूप में दी हैं, जैसे कि सागर, धरा, पर्वत, वायु और आग तथा जल, ये सारी प्राकृतिक चीज़ें हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। हमें
हमें गगन से ऊंचा और विशाल रहने की प्रेरणा मिलती है, सागर से गंभीरता की प्रेरणा मिलती है, धरा से सहन शक्ति की प्रेरणा मिलती है, पर्वत से दृढ़ और अटल रहने की प्रेरणा मिलती है, अनिल से यानी वायु से संजीवनी के समान रहने की प्रेरणा मिलती है, जल से शीतलता का गुण लेना चाहिए और अनल से तेजस्वी यानी तेज प्रदान करने वाली अग्नि से हमें अपने लिए तेजस्वी होने का गुण लेना चाहिए। तो ईश्वर इन प्राकृतिक रूपों के द्वारा, इन प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा हमें यही सब बनने की, इन गुणों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। अतः इस कविता के माध्यम से द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने हमें बहुत से गुणों के बारे में बताया है और कहा है कि बच्चों, आपको भी इनके समान बनना है और अपने विकारों को दूर करना है, दूर करके हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना है। अतः इस कविता के भावार्थ को आप अच्छे से समझें और इसके शब्दार्थों को अवश्य याद करें, जरूर याद करें, और इनकी पंक्तियों को भी स्मरण करें, और इसके बाकी के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो पीछे की पृष्ठ में दिए गए हैं, उसको बनाने का प्रयास करें। इसके प्रश्नोत्तर मैंने स्कूल के वेबसाइट पर डाल दिया है, आप उसे ज़रूर देखें और स्मरण करें, और आगे की वीडियोस को भी मैं भेजने का प्रयास करूंगी, भेजूंगी और आप उसे ध्यान से देखेंगे। जो मैंने प्रश्नोत्तर आपके स्कूल के वेबसाइट पर भेजा है उसे कॉपी पर दोबारा लिखें और स्मरण करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।